खबर इंडिया 7। क्या किन्नर शबनम मौसी का श्राप भुगत रहे हैं लालू यादव? विधानसभा सदस्य रह चुकी है किन्नर मौसी। करीब 900 करोड़ के घोटाला मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रह चुकी किन्नर शबनम मौसी के मुताबिक लालू यादव को उनका श्राप लगा है, इसी वजह से कर्मकांड पर यकीन रखने वाले आज लालू इस हालत में पहुंचे हैं। इसलिए दिया था लालू को श्राप। सुहागपुर से विधायक रह चुकी शबनम मौसी ने दावा किया कि लालू यादव ने अपनी पार्टी से वर्ष 2003 में सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वो मेरे क्षेत्र में प्रचार के लिए आएंगे। इसके बाद भी राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मेरा प्रचार करने नहीं आए, इसलिए स्थानीय लोग नाराज हो गए थे। किन्नर शबनम मौसी ने कहा कि पूरे चुनाव में लालू यादव ने उनकी कोई सहायता नहीं की, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कोई मदद नहीं की। बाद में दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के निवास पर मैं गई और उनके पीएम के सामने लालू और उनके परिवार का सर्वनाश हो जाने का श्राप दिया था। ये मेरे श्राप का असर है। शबनम मौसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ आज जो हो रहा है वो सही हुआ है, गलत नहीं हो रहा है। लालू ने और उनके परिवार ने पद का बहुत दुरुपयोग किया है और यह मेरा ही श्राप था जो आज असर दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी का कैरियर खत्म हो चुका है और बिहार की राजनीति में उनको दोनों बेटे भी हाशिए पर आ खड़े हुए हैं। चूंकि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जनता के पैसे का खूब दुरुपयोग किया है, अपने पद का गलत फायदा उठाकर बुरे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। आज भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रहा है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।